सब्र है आपको, जवाब तो आपको सब्र है तो मुझे मेरी बात सुन लीजिए। मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता, उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे मैं से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद।